अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज शुएब मंजूर फ्रॉम शुएब मंजूर यूट्यूब चैनल। और शुएब बॉस की तरफ से एक बार फिर से आपको वेलकम कहता हूँ। वेबसाइट की स्पीड इंक्रीज़ करने के पार्ट टू में हम जो है क्या चीज़ करने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको शो करवाया, आपकी वेबसाइट की स्पीड जो है इस टाइम काफ़ी कम आ रही है। कम क्यों आ रही है, उसके पीछे पहली रीज़न जो है हमें उन्होंने दी हुई है, अपनी इमेजेस को जो है ऑप्टिमाइज़ करें। इमेजेस के यहाँ पर हमें उन्होंने लिस्ट भी दे दी है कि ये वाली इमेजेस हैं, आगे बताया हुआ है कि ये आपकी, एक तरह से हमारी लैंग्वेज में बात करें, आपकी वेबसाइट का कितना, कितने परसेंट जो है ना वो खून चूस रही हैं, कितने परसेंट आपकी वेबसाइट की स्पीड चूस रही हैं। तो ये तो इनके मुँह से निकलवानी है, इसके लिए हमें ये सारे इमेजेस जो है वो हमें करनी पड़ेंगी। कुछ इमेजेस जो है जेपीजी में है, ये जेपीजी में है, ये वाली पीएनजी में है, हम ऑनलाइन भी इनको काट सकते हैं। आप अपने सी पैनल के अंदर से भी कंप्रेस वाली ऑप्शन जो है ना लाजमी तौर पर क्लिक करें। कंप्रेस के बटन जो है ना, यहाँ पर इमेजेस में लिखता हूँ, सॉरी यहाँ पर एक ऑप्शन होती है इमेजेस की, वो आ रही है, और नीचे आता हूँ तो SSL और नीचे आते हैं ऑप्टिमाइज की वेबसाइट की जो है ना आपके पास ऑप्शन होती है, इससे आप अपनी वेबसाइट जो है ना उसको ऑप्टिमाइज वगैरह करवा सकते हो। कट करते हैं इसको। यहाँ पर अपना जो है ना ऑल कंटेंट जो है ना, इसको कंप्रेस ऑल कंटेंट पर क्लिक करें, और ये भी कर सकते हैं, लेकिन आप सारी वेबसाइट का करें, अपडेट कर दें, ठीक है, इससे भी आपकी वेबसाइट के ऊपर काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन अगर नहीं फ़र्क पड़ता तो दफ़ा कर दें, क्योंकि टेंशन नहीं लेने का, हम अपनी वेबसाइट की स्पीड लाजमी तौर पर जो है ना उसको करेंगे। तो यहाँ पर हमारी स्पीड काफ़ी कम आ रही थी, कितनी आ रही है, 27 और 69। इसमें जो है पहले हम इमेजेस को जो है किस तरह से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, इस पार्ट में हम ये चीज़ देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम अगली चीज़ को जो है वो टेस्ट आउट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर आपके पास एक वेबसाइट है tinyjpg.com, इससे आप क्या कर सकते हो, आप .png और jpg फाइल्स की जो है ना यहाँ पर क्या दिया हुआ साइज़, अप टू 20 इमेजेस जो है ना, मैक्सिमम 5 MB तक जो है वो आप कर सकते हो। हम यहाँ पर जो है ना कोई और वेबसाइट भी जो है ना वो फाइंड करते हैं, जैसे कि इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, हम ऑनलाइन ही ऑप्टिमाइज कर लेंगे इसके ऊपर सारों को जो है हम टेस्ट आउट कर लेते हैं। यहाँ पर ये वाली वही आ गई। अच्छा जी, हमारे पास एक ये भी आ रही है, ये भी हमारे पास आ रही है, ये मैक्सिमम साइज जो है ना इसका 35 MB आ रहा है, ये एक चीज़ अच्छी आ रही है। यहाँ पर अच्छा जी, ये सारे इस वेबसाइट का लिंक दे रहे हैं, और ये वाली भी अच्छी है, गेट फ्री एनालाइज, अच्छा जी, मैं पहले कौन सी वेबसाइट यूज़ करता रहा, मेरे माइंड में नहीं है। खैर, हम जो है ना क्या करते हैं, यहाँ इस वेबसाइट को फ़िलहाल यूज़ करते हैं, क्योंकि ये इमेज का जो है ना URL भी हम यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शंस दी हुई हैं, इसको निकाल के यहाँ पर ले आते हैं। स्पीड ऑप्टिमाइज इमेजेस में आना है, सबसे पहले ये वाली इमेज करनी है, इस इमेज पर आकर आपने इस पर आकर क्लिक करनी है, कंट्रोल सी दबाना है, कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट किया, इमेज आप अपनी देख भी सकते हो, देखें इमेज ये ओपन होने में इतना लोड ले रही है, और इमेज का साइज भी जो है ना वो आप चेकआउट कर सकते हो। मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट में जाता हूँ, यहाँ पर इमेज में गया, और इमेज की जो है हम प्रॉपर्टीज में जाते हैं,
यहाँ पर ये कितने एमबी की इमेज आ रही है, डिटेल्स में आ जाते हैं। यहाँ पर इसका साइज आ रहा है, साइज के बाद वापस जनरल में आ जाता हूँ। यहाँ पर ये 5 MB की आ रही है, 5 MB की एक इमेज है, इसको अब ऑप्टिमाइज करना है हमने। यहाँ पर किया, यहाँ पर इसको अपलोड कर दें। ये आपको बताते भी हैं कि आपकी जो इमेज है उसको जो है हमने कितना जो है कितने परसेंट जो है ना ऑप्टिमाइज किया है। अच्छा जी, इस वेबसाइट को मैंने यूज़ तो नहीं किया, 12 अभी कर लेते हैं। फाइल साइज़ को बता रहा है, तो ऑप्टिमाइज़र हम इसके ऊपर यूज़ कर रहे हैं। गॉट इट, ऑप्टिमाइज इमेजेस। अच्छा, यहाँ से आपने सेटिंग्स जो है ना वो आपने चूज़ कर लेनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इमेज थी, इमेज क्वालिटी यहाँ पर आ रही है। यहाँ पर कितना साइज़ था इसका, 5.41 MIB आ रहा है, ठीक है, 5.41। अब नीचे कितना हो गया, 2.69। तो मतलब कितना उसने 50% आगे बता रहा है कि वो 50% उसने इसका कम कर दिया है। तो ये भी चीज़ है कि वो कम भी किया है तो फिर भी इसके जो है ना वो स्पीड वगैरह में जो है ना वो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इस चीज़ को जो है ना अपने माइंड में रख लें कि इसकी स्पीड में प्रॉब्लम नहीं आएगा। सॉरी, जो है ना इसकी जो रिज़ल्ट है ये सेम टू सेम है, HD इमेज है, ये भी HD है, बस इसको उसने ऑप्टिमाइज करके कंप्रेस कर दिया है। इससे जो है ना हम सारी इमेजेस को कंप्रेस करेंगे, कंप्रेस करके हमने इनको सी पैनल में अपने वापस अपलोड करना होगा। अपलोड कहाँ पर करना है, जहाँ पर ये इमेज हमारे सी पैनल में पड़ी है, या कहाँ पर पड़ी है, इस वेबसाइट के अंदर जाना है, टेम्पलेट्स में जाना है, क्लाउडर में जाना है, और उसमें जाकर आपने इमेजेस में जाकर यहाँ पर ये वाली इमेज आपने अपलोड कर देनी है। हम क्या करते हैं, इस इमेज को डाउनलोड करते हैं, यहाँ से सेव किया, और सी पैनल में आ जाता हूँ, टेम्पलेट्स में गया मैं, क्लाउडर में गया। आगे इन्होंने क्या हमें बताया था, क्लाउडर से आगे, सॉरी, क्लाउडर से आगे न्यू में जाना है, और न्यू से आगे इमेजेस में जाना है, और इमेजेस से आगे जाना है हमने कहीं भी नहीं जाना। इमेजेस से आगे आप हीरो, क्या आगे दिया हुआ टाइटल इसका, डैश BG1। तो ये आपके पास इमेज आ रही है, ठीक है, ये वाली पड़ी हुई है, आप इसको देख भी सकते हो। ये देखें ओपन होने में कैसे उसकी जान निकल रही है, मतलब कि इसका साइज देखें कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो ये इमेज है, इसकी जगह हमने ये नई वाली रिप्लेस करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका टाइटल कॉपी कर लेंगे, ठीक हो गया, और इस वाली को तो डिलीट कर देता हूँ जो पहले वाली थी। अब क्या करना है, अपलोड करें ये वाली, सॉरी आई थिंक अपलोड नहीं हुई, अभी ये अपलोड हो रही है। इसका टाइटल याद कर लें, EZGIFR है कुछ इस तरह से। अपलोड हो गई, यहाँ पर रिलोड करें, EZ ये आ गया। अभी इसको एडिट करें, वही जो है ना नेम पहले वाला पुट कर दें, और ये नई वाली इमेज हमारे पास आ गई है, इसको आप व्यू भी कर सकते हो, ठीक है। अभी देखें कितनी जल्दी ओपन हो रही है, अभी देखेंगे आगे। इसको दोबारा कस्टमाइज़ करना पड़ा, तो इसी को डाउनलोड करके दोबारा कस्टमाइज़ में हमें डालना पड़ेगा। अच्छा जी, पहली इमेज हमने कर ली है, इसी तरह से आपने क्या करना है, बाकी सारी इमेजेस को भी करना है जितनी वो गूगल शो करवा रहा है। हम गूगल के अलावा भी टूल्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल गूगल को करेंगे। इसको कॉपी करें, यहाँ पर जाएं ऊपर इमेज ऑप्टिमाइज में, पेस्ट यूआरएल, अपलोड, इमेज आ जाएगी ये वाली, ऑप्टिमाइज कर दें इसको।
यहाँ पर मैं अगर 480 है तो यहाँ पर मैं 50 करता हूँ, तो यहाँ पर क्वालिटी मैटर करती है, मैं उसको बिल्कुल भी नहीं कर रहा, खुद ही वो ऑटोमेटिकली जो उसने पकड़ ली चीज़ मैं उसी को जो है ना यूज़ कर रहा हूँ। अभी मैं सारी इमेजेस को करने के बाद जो है ना वीडियो आगे से जो है ना वो स्टार्ट करूँगा, तो इसमें जो है ना हम इसको कस्टमाइज़ करके देखते हैं कितनी स्पीड जो है हमारी वेबसाइट की इंक्रीज़ होती है। अच्छा जी, तो इसके बाद मैंने काफ़ी हद तक जो है ना इमेजेस को कस्टमाइज़ कर लिया गया है। अब इसकी जो है ना स्पीड 27 है, देखते हैं कोई 10% की जो है स्पीड ऊपर जाती है या नहीं, या मैं ऐसे ही जो है ना पागलों की तरह जो है इमेजेस को कस्टमाइज़ करने में लगा हुआ हूँ। तो आपके सामने गया, सिर्फ इमेज कस्टमाइज़ करने से स्पीड 78 पर चली गई है, जबकि ये भी अभी तक इमेजेस जो है ना सही तरीके से कस्टमाइज़ नहीं हुई होंगी। ठीक है, आई थिंक हो गई हैं, दोबारा गूगल ने तो एरर नहीं दिया। बहरहाल मैंने अभी तरीके सही तरीके से नहीं की थी, क्योंकि मैंने कौन सा वेबसाइट को चलाना है, सिंपल आप लोगों को जस्ट दिखाने के लिए जो है ना वो मैं कर रहा हूँ। इसको अभी ओपन करते हैं, देखें कैसे झट से ओपन हो रही है इमेजेस, क्योंकि ये बैक साइड पर इमेजेस वर्क कर रही होती हैं जो आपकी स्पीड जो है ना वेबसाइट की गिरा देती हैं। अभी देखें, रिलोड करता हूँ और पेज लोड होता है, पता ही नहीं चल रहा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब हम जो है ना नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि हम किस तरीके से ये जो ये वाले आ रहे हैं इसको अगर हम करेंगे रेंडर ब्लॉकिंग, जावास्क्रिप्ट एंड सीएस कोड्स होते हैं, इनको हम ब्लॉक करेंगे, इससे देखेंगे हमारी वेबसाइट की स्पीड जो है वो कितनी अप होती है। तो फ़िलहाल मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।